इस वक्त काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं इस वक्त जो है वो PSL का फाइनल मैच मैं वो लाइव देखने जा रहा हूँ। मैच शुरू है, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है, लाइन में खड़े हैं। मैं कहता हूँ इस कदर नालायक इंतजाम है क्योंकि मैंने फैमिलीज को नीचे लोगों के दबते देखा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? ठीक ठाक है? मैं इस वक्त काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं इस वक्त जो है वो PSL का फाइनल मैच जो कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान होने जा रहा है मैं वो लाइव देखने जा रहा हूँ। रस्ते में हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ, रस्ते में एक दो और लोगों को मैंने पिक भी करना है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पासिस आ गए थे तो मैंने कहा चलो यार वो चलते हैं। पहले मैंने अपनी बेगम को कहा कि आप मेरे साथ चलें, बेगम ने मना कर दिया। बेगम ने कहा कि मुझे घर में बहुत काम है, मैंने करने में थकी हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर किसी और को साथ लेके चलते हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुंच जाऊँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ इसके लिए जी मैं कि क्या होगा कैसे होगा मेरे लिए। मैं बहुत अरसे के बाद कोई फाइनल मैच देखने जा रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में वो भी, तो लेट्स सी जी आगे चल के आपको दिखाते हैं बताते हैं। शटल सर्विस के लिए रेडी हैं हम, और ये बड़ा सा अच्छा काम किया हुआ है कि आपको यहाँ पे कजाकी स्टेडियम में पार्क करना पड़ती है कार ही अपनी, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस शटल सर्विस। सो अभी उसमें बैठते हैं चल के। तो दोस्तों शटल सर्विस के बाद हमें उतारा गया कजाकी स्टेडियम के अंदर वाले चौक पर। इससे आगे हमें पैदल जाना था। लोगों का जोशो खरोश इतनी था, हर कोई काफी एक्साइटेड था। आगे पहुंचे तो पता चला कि स्टेडियम के अंदर जाना इतना आसान नहीं है। ये लंबी लाइनें देख रहे हैं आप, बेहंगम एक हुजूम की तरह। कोई डिसिप्लिन नहीं था, इसको मैनेज करने वाला भी कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे, जिसका जो दिल चाह रहा था वो कर रहा था। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो आपको थोड़ी बहुत ही लाइनें नज़र आ रही हैं, इसका जो घड़मस मचेगा अभी थोड़ी देर में मुलाहजा कीजिएगा। तो जनाब देखिए कहाँ है वो लाइन, कहाँ है वो कतार जिसका थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था। ये कतारें हो गई हैं ख़त्म, मैनेजमेंट ने अगला गेट कर दिया है बंद। न जाने क्यों लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, हर कोई इसी शशोपंजे मुब्तला है कि आखिर अब होगा क्या। इतनी महंगी टिकटें हासिल करके, इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ पे आने के बाद इनको कहा जा रहा है कि फ़िलहाल कजाफी स्टेडियम के गेट्स को बंद कर दिया गया है। अब लोगों में परेशानी बढ़ रही है। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने अपना हक खुद छीनना शुरू कर दिया। ये सामने धुएं का बादल उठता देख रहे हैं आप, और ये वॉक थ्रू गेट्स का हाल जो कि टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। लोगों ने धक्कम पेल शुरू कर दी है और गेट को तोड़ना शुरू कर दिया। एक्सट्रीम खुआरी का हमें सामना करना पड़ा है, धक्कम पेल करके हम अंदर आए हैं। मैं कहता हूँ इस कदर नालायक इंतजाम है, और उस्मान गुजार साहब आप इस कदर नालायक इंसान है ना, आपको यकीन कीजिए मैं अपने ड्राइवर भी ना रखूँ। लिटरली मैं 70-75 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फैमिलीज को नीचे लोगों के दबते देखा है। इसकी तरफ भगदड़ हुई है ना यहाँ पे राही स्टेडियम में, यानी आप इतने नालायक हैं, आपकी इंतजामिया इतनी नालायक है, और ये जो बाबू बैठ जाते हैं ऊपर आके CSS करके, ये दुनिया के मुझे लगता है नालायक तरीन लोग होते हैं ये जो बाबू होते हैं। इनसे एक गेट नहीं संभाला गया, एक गेट कोई कवर नहीं कर सके, ये हालत है। पुलिस नालायक तरीन पुलिस है, सिर्फ तोंद निकालती जा रही है अपनी। मतलब यार ये क्या है, ये क्या है, ये करने की जरूरत ही नहीं थी फिर आपको। मेरे ख्याल में इस इवेंट का नाम VIP या VVIP PSL रखना चाहिए था। ये गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, आम शहरियों को गाड़ियाँ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं, वो हमारी तरह इस तरह से लंबी लंबी कतारों में खार होंगे। लेकिन ये VIP, इनकी गाड़ियाँ, इनके बच्चे, बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े मिनिस्टर, उनके बच्चे गाड़ियों में पहुँच रहे थे। और कहा जाता है कि जी आवाम जो है ना वो तहजीब याफ्ता नहीं है, लेकिन आवाम यह देखती है ना कि वो लाइनों में खार हो रहे हैं और जो VIP हैं वो इस तरह गाड़ियों में जा रहे हैं, तो फिर आवाम को भी गुस्सा आता है। फिर आवाम भी सोचती है कि वो लाइन में क्यों लगे, कि जब बाद में आने वाला बाबू जो है अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में आया और गाड़ी का दरवाज़ा उसके मुलाजिम ने खोला और वो जाके VIP सीट पे बैठ गया, तो बताइए इनका क्या कसूर है। ये देखिए लोग फार हो रहे हैं यार, ये क्या ड्रामा है, हो गया हम कतारों में खड़े हैं। एग्जैक्टली, तो आप ये देख लें कि इनका क्या कसूर है, इनका क्या कसूर, हमारा कसूर ये है। हम आप टिकट 11,000 रुपए दे दिए यार, ये पाकिस्तान है यार, हम क्या करें। 8 पेशेंट बंदे खड़े हैं, इसे अंदाजा कर ले आप, ये इन्होंने किया क्या है। आप ये देख लेंगे, देखिए आप क्या हो रहा है, ये सब VIP जा रहे हैं, इनको VIP एंट्री मिल जाएगी। मैच शुरू है, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है,
लाइन में खड़े हैं और अभी पता नहीं कितना और वक्त लगेगा, लेट्स सी क्या होता है। हमारा एंक्लोजर था फजल महमूद एंक्लोजर। जब उसके अंदर पहुंचने लगे तो पता चला इस एंक्लोजर की भी गेट बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो मशीन है टिकट स्कैन करने वाली वो ख़राब है। ले जनाब अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह से स्टेडियम में हम पहुंच गए। आगे जाके पता चला कि 3000 के कैपेसिटी वाले एंक्लोजर में 8000 टिकटें बांटी गई हैं, बैठने की जगह ही नहीं है। अब अगला जितना भी मैच रह गया था हमने खड़े होकर देखा, वहरे पीसीबी, वहरे इंतजामिया। तो दोस्तों ये थी वो मैच की आखिरी बॉल जिस पे उड़ी मुखालिफ टीम की विकेट और लाहौर कलंदर जीत गई। इसके साथ ही हमने शुक्र मनाया कि चले इस जहमत का कुछ तो फायदा हुआ, कम से कम लाहौर कलंदर तारीख में पहली दफ़ा PSL की ट्रॉफी जीतने में कामयाब तो हुआ। ये थी हमारी वो दास्तान। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।